गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी. टॉपिक सर्वनाम के वे. सर्वनाम मतलब हम जो भी संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लेते हैं. संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन. नाम की जगह पे जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं. अब हम आज हम सर्वनाम के अलग अलग भेदों के बारे में जानेंगे. वैसे तो हिंदी भाषा में 11 भेद हैं, पर हम 6 भेदों के बारे में जानेंगे. सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं. यह परिभाषा सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम, सबका नाम. हम कई पैराग्राफ में ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर एक इंसान की बात करते हैं. अगर हम वही इंसान के हर सेंटेंस में नाम लेके अगर बात करेंगे तो वह अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए हम पर्टिकुलर एक इंसान के एक बार नाम ले लें, उसके बाद अगर उसकी हमें बात करनी है तो हमें उसके लिए कोई प्रोनाउंस यूज करना पड़ेगा. उसको हम सर्वनाम कहते हैं. वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. वे शब्द जो संज्ञा के नाम पर यानी नाम के नाम जगह पर उपयोग प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हम, तुम, आप आदि ऐसे जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं. उसे हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं यानी हम उसका नाम में नाम ना बोलकर हम यह सर्वनाम उपयोग में लेते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं. सुनीता एक अच्छी लड़की है. सुनीता रोज विद्यालय जाती है. सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है. सुनीता का पाठ रोज याद करती है. तो यह सुनने में हम हर सेंटेंस में सुनीता 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 का प्रयोग करते हैं तब यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है. अगर हम यह कहें कि सुनीता एक अच्छी लड़की है, वह हर रोज विद्यालय जाती है, तो हमने कौन सा सर्वनाम यूज किया? वह हर रोज विद्यालय जाती है. उसकी माँ उसे बहुत चाहती है. उसकी और उसे, वह भी सर्वनाम हुआ. सुनीता अपना पाठ रोज याद करती है. सुनीता अपना पाठ, खुद का पाठ याद करती है. तो यह जो हमने उपयोग में लाए उसके, उसकी, अपना, वह सब सर्वनाम है. और उस सर्वनाम से हमें सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं वो भी हमें सुनने में अच्छे लगते हैं. बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हैं. सर्वनाम के 6 भेद हैं जिसके नाम यहाँ लिखे हमने. फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम. थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम. फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम. फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम. सिक्स निजवाचक सर्वनाम. हमारे कितने भेद हैं? हमारे 6 भेद हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. यह सब के बारे में हम आज पठन करेंगे. पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम. ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. ये वो शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. यह वह शब्द होते हैं जो व्यक्ति, यानी मैंने अभी आपको जो उदाहरण बताया सुनीता का, जो भी व्यक्ति का नाम होता है उसके नाम के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है मैं, तुम, हम, उसका, उसकी, राइट. तो यह हमारे सर्वनाम है जो हम कोई भी व्यक्ति के नाम पे स्थान पर हम प्रयोग करते हैं. यहाँ पे उदाहरण दिया गया है मैं पढ़ रहा हूँ. मैं जो शब्द है वो है सर्वनाम. मैं पढ़ रहा हूँ,
अब यह कोई भी नाम हो सकता है, पर हम उसको उसके नाम के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। हम घूमने जा रहे हैं, अब हम यानी दो या तीन लोग भी हो सकते हैं। अब तीनों का नाम ना लिख के हमने सिर्फ हम लिखा, यानी हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। हम घूमने जाते हैं, वह सर्वनाम में और हम यहाँ पे सर्वनाम है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? ये वह शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके में, तुम, हम, उसका, उसकी आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराए, उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई ये वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब पर्टिकुलर यही व्यक्ति का नाम ये है, या ये चीज का नाम यही है, जिसको हम टेबल को टेबल ही कहते हैं, कुर्सी नहीं कहते हैं। यानी जैसे हम मेज को मेज ही कहते हैं, हम उसको और कुछ नहीं कह सकते, उसका नाम ही मेज ही है। मेज यानी टेबल, कोई व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति का निश्चित नाम, यानी हम ये व्यक्ति का यही नाम है, हम और नाम से उसको नहीं बुला सकते, किसी और का नाम से और व्यक्ति को हम नहीं बुला सकते। घटना यानी कोई घटना हुई है भूतकाल में या भूतकाल में हुई है, अगर कोई घटना यानी कोई घटना भूतकाल में हुई है, वह घटना को यही नाम से पुकारा जाता है। यानी कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना या कोई स्थान को हम पर्टिकुलर वही नाम से बुलाते हैं, उसे हम निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब यह निश्चय है कि इसका नाम यही है। समझो हमने चांद, रात को चांद दिखता है, तो चांद को हम चांद ही कहते हैं, उसको हम सूरज नहीं कह सकते, और सुबह जो सूरज निकलता है उसको हम चांद नहीं कह सकते। तो उन लोगों का नाम निश्चित है कि इसको सूरज ही कहना है, इसको चांद ही कहना है, इसको तारे ही कहने हैं, ठीक है, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है। अब पास के लिए, अगर हमें कोई चीज़ पास में रखी है और यह पास में है या हम घर के पास ही खड़े हैं, तो हम क्या उपयोग में लाएंगे? यह मेरा घर है, ठीक है। अगर हम दूर खड़े हैं और हमारा दूर से हमारा घर दिख रहा है, तो हम कहेंगे वह मेरा घर है। तो दोनों सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे यह और वह का सर्वनाम। वह हमने उसके पास है कोई चीज़ या दूर है, उसके हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें पास में है तो हम यह का उपयोग करेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर है तो हम उसको व के सर्वनाम के साथ हम उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है यह मेरा घर है, तो वह पास के लिए, यानी कोई भी वह घर पास में होगा या पास में वह खड़े होंगे, तो वह पास के लिए उपयोग में लाया जाता है। वह मेरा घर है यानी वह दूर खड़ा है और दूर से वह अपने घर को दिखा रहा है, तो वह दूर के लिए है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने पहले पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिन सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, पहले क्या था? यही व्यक्ति का नाम यही है, यही चीज का नाम यही है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह अनिश्चयवाचक यानी पर्टिकुलर ये नाम ये व्यक्ति के लिए नहीं है, हम और कोई नाम से भी बुला सकते हैं, या यह वस्तु को हम और किसी नाम से भी पुकार सकते हैं। तो वह निश्चय नहीं है कि यही नाम होना है, वह अनिश्चय है, तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ,
नदी में कोई तैर रहा है। अब नदी में कोई तैर रहा है, पर हमें नहीं पता कि वो कौन तैर रहा है। कोई तैर रहा है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, पर सामने वाले को नहीं पता है कि क्या कहना है, कुछ कहना है। तो ये कोई कुछ जो शब्द होते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। फोर्थ नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी कोई भी दो चीजों में कोई ना कोई संबंध हो सकता है। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो, जिन सर्वनाम शब्दों यानी जो भी वाक्य में हम जो भी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसका दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी, ठीक है। अब उसके सेंटेंस है वो करेगा सो भरेगा, वो करेगा सो भरेगा, यानी जो कर रहा है वही उसका, यानी हम कुछ गलत काम करते हैं तो जो का जैसा करेगा वैसा भरेगा। जहाँ जा वहाँ रा, तो यह इसके उदाहरण है संबंधवाचक के। फोर्थ नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम यानी हम कोई भी सर्वनाम उपयोग में लाते हैं जिससे हम प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम WH क्वेश्चन होते हैं वैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। फिर उसका उदाहरण है तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो यह क्वेश्चन है तुम क्या खा रहे हो, क्या वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। यह कैसे हुआ, कैसे वह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है फिफ्थ नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में ऐसा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वाक्य में जो भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वह उसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वैसा, जिसकी आदि, ठीक है। उसका है वो के, वो करेगा सो भरेगा। अब यानी वो और सो वह उसका संबंध होता है। जैसे वो, अब हम अगर थर्ड पर्सन पर बात करते हैं कि वो करेगा सो भरेगा, यानी कोई गलत काम कोई इंसान करता है तो वही उसको भुगतान करना पड़ता है। तो वो करेगा सो भरेगा, जैसे हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो और सो जो हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है वह दोनों का संबंध है। जहाँ जा वहाँ रा। अब जहाँ और वहाँ, जहाँ जा यानी हम कोई चीज़ के लिए जब हम चाह करते हैं कि हमें यह चीज़ चाहिए वहीं हम हमारी रा मिल जाती है। जहाँ और वहाँ उसका भी हम संबंध दिखा रहा है इसमें, तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने पन का बोध कराने के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो भी सर्वनाम हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसे अपने पन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं खुद, आप स्वयं खुद, जिन वाक्यों में आप स्वयं खुद शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो हमें अपने पन का जो बोध होता है
उच्चवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, जिसकी हमने परिभाषाएं पढ़ी, कौन से शब्द से हम उसको पहचान सकते हैं उसका भी अभ्यास किया और उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। बच्चों ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपको अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिखने हैं, उसके लिए आपको अच्छे से वीडियो देखना है। थैंक यू।